नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यापम घोटाले की। ये वो जिन्न है जो कई सालों से, जिसको कहें बोतल में बंद था, परंतु आज राज्य विधानसभा में कांग्रेस ने इस पर जांच की घोषणा कर फिर से इसे हवा दे दी है। बीजेपी के नेता ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर इस घोटाले में कोई दोषी है तो सरकार कार्रवाई करे, किसने रोका है। 7 महीने से ऊपर का समय हो गया है, सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहीं कांग्रेस के सदस्यों का कहना यह है कि जिस तरीके का ये घोटाला हुआ था और जिस तरह से उस पर पर्दा डाला गया, उसके चलते अब ये ज़रूरी हो जाता है कि इसकी नए सिरे से जांच की जाए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्या इस घोटाले के जरिए शिवराज जी और उनके समर्थकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, कांग्रेस से यादवेंद्र पांडे जी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे विशेष शर्मा जी, वो यहाँ समीक्षात्मक दृष्टिकोण पेश करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है शैलेंद्र जी, कि ये जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापम ऐसा घोटाला रहा है जो 2013 से लगातार किसी न किसी रूप में या उसके पहले से आपकी सरकार को, आपके लोगों को परेशान करता रहा है। देखिए, व्यापम घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर की है और सुप्रीम कोर्ट पे भी में भी कांग्रेस ही पार्टी गई थी और कुछ निकला नहीं। पर हमको कोई आपत्ति नहीं है कि माननीय कमलनाथ जी और उनकी सरकार अगर दूध का दूध और पानी का पानी निकाले। ये कोई नहीं चाहता कि दोषी छूटे और निर्दोष बच्चे परेशान हों। अच्छा लगेगा माननीय कांग्रेस के जो कमेटी बनी है मंत्रियों की, वो अति शीघ्र निर्णय तक पहुंचे। यहाँ आप क्या कहेंगे पांडे जी कि ये जिस तरीके की स्थिति बन रही है, और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात ये है कि कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं या 8 महीने हो गए हैं, तब भी अभी जांच जो है वो कराने की बात हो रही है। अभी तक तो दंडित कर देना चाहिए था आपको जांच करा के। देखिए, क्या है कि मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला है, इसमें आपको पता है कि लगभग 30 से 40-50 पत्रकारों की हत्या हुई है, गवाहों की। कई पत्रकार भी इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, डॉक्टरों की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। मध्य प्रदेश के बहुत सारी युवाओं का भविष्य चौपट हुआ। ये जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी हम लोगों का मोटो था कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या थी कि जो भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, न्यायालय के अधीन जो है जांच हुई, न्यायालय पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, किंतु जांच एजेंसियां जो थी इतनी सरकार के दबाव में थी जो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकी। आज इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है, समय लगा है, 8 महीने बीत गए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन व्यापम घोटाले के अलावा भी जन कल्याणकारी कार्य कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा थे जिनको फोकस करने के लिए इसमें थोड़ी सी विलंब हुआ है। अब जांच होगा और जांच होकर के दोषियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से कठोर कार्रवाई होगी जो विधि सम्मत होगा। यहाँ आपका क्या दृष्टिकोण है विशेश्वर जी, कि ये जो जांच के नाम पर क्या बीजेपी के नेताओं पर, खासतौर पर शिवराज जी पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? ये बात सही है तिवारी जी कि राजनीति इस विषय पर हावी है और सदन में जब कोई ऐसा लगता है कि सरकार घिर रही है किसी मुद्दों पे, तो वो इस तरीके की जांचों को, जांच करने की घोषणाएं करती है मुद्दों पे। भाजपा सरकार भी अपने सत्ता में रहते हुए इस तरीके की कार्रवाई करती थी, तरह तरह की जांच खोलती थी, लेकिन बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही स्वतः ही लंबित हो जाती थी।
लेकिन जहाँ तक व्यापम कांड की बात है, इसमें नम्रता डामोर जिसके बारे में कहा गया था कि उसने आत्महत्या की है, जिसको सीबीआई कोर्ट जो है वो खुद ही मानने को तैयार नहीं है कि उसने ही संदेह व्यक्त किया है। वैसे ही उसकी हार्ड डिस्क और एक्सेल शीट को लेकर संदेह अभी तक बने हुए हैं, जिनमें कोई अंतिम निष्कर्ष जो है वो निकल के नहीं आए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए, वो जनहित में है। नहीं, पर ये क्या लगता है कि इससे किसको ज़्यादा हित होगा? शिवराज जी का नाम जो अभी फिर कभी कभी बीच में आ जाता है कि अगर सरकार बीजेपी की फिर से बनी तो शिवराज जी फिर नंबर एक पे आ जाएंगे, तो ये उनको दबाने के लिए है? नहीं, विपक्ष को दबाने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं लगता है, संपूर्ण विपक्ष के लिए एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल तो कहीं से इन्वॉल्व है ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट है वो सीधा सीधा शिवराज जी के नाम पर आता है। निश्चित तौर से आता उनके नाम पे है, लेकिन अभी उस मामले को जो है, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं एट प्रेजेंट, नेता प्रतिपक्ष भले गोपाल भार्गव हैं लेकिन अगुवाई तो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इससे वो पीछे हट जाएं। यहाँ आपको क्या लगता है प्रधान जी कि ये जो व्यापम घोटाला है, वाकई इसमें बीजेपी ने संजीदगी से काम नहीं किया, और अब जैसा कोर्ट ने भी सीबीआई को वापस कर दिया कि भाई ये चालान अधूरा है, और नम्रता डामोर वाले मामले में ये आत्महत्या नहीं हत्या है, ये जो भी तथ्य मांगे हैं वो, आपको नहीं लगता कि सरकार में रहते हुए आपने बहुत ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई थी व्यापम? देखिए, कोर्ट के निर्णय या कोर्ट में जो चालान पेश हुआ उसको कोर्ट स्वीकार करे वो खारिज करे, ये उसको तथ्यों के ऊपर आधारित है। पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि दोषी बचे, और जिसने भी ये घोटाला या जिसमें जो शामिल है वो सब मतलब मुक्त ना हो, समाज में निश्चित ही हम भी चाहेंगे जो दोषी है उनको सजा मिले। इसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पूरा प्रदेश का काम होता है, उसको पिन पॉइंट करने से मैं सहमत नहीं। नहीं, पर अगर सवाल आपकी जांच को लेकर उठ रहे हैं, और जैसा कांग्रेस इस घोटाले को निरंतर उठाती रही और ये समझ में आया कि अगर आप 2012 से अगर देखें इस पूरे को, तो पहला विधानसभा चुनाव निपट गया, फिर दूसरे विधानसभा चुनाव में आके ये मामला और गर्मा गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये निरंतर घोटाले में सिर्फ कुछ ही लोगों को सरकार ने निशाना बनाया और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको छोड़ दिया गया सीधे सीधे? देखिए, ये जनहित में होगा कि कांग्रेस पूरी जांच कराए, किसी को नहीं बख्शा जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पे किसी को प्रोटेक्शन देना नहीं चाहती। नहीं, सवाल ये है कि आप प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते, पर जो पूर्ववर्ती कांग्रेस के अनुभव हैं वो तो ये है कि उन्होंने जब जब जिस जांच की मांग की आपने उसको लिंगर ऑन किया, और मतलब इवन सीबीआई जांच की मांग को भी कई सालों तक नहीं माना गया, जब केंद्र से दबाव आया तब जाके उसे मंजूर किया गया। देखिए भाई, अब तो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप जैसा चाहें, जहां चाहें, जिस एजेंसी से चाहें, जिस अधिकारी से चाहें उसकी जांच कराएं। अब मतलब पुराने इतिहास को बार बार रिपीट करने का औचित्य नहीं है, अब आपके पास अधिकार है, आप सर्वसंपन्न हैं, आप करिए ना, जो भी आपको जिस तरीके से जांच करना, आपको रोक कौन रहा है? बिल्कुल। या आपसे पांडे जी ये सवाल कि जैसा ये प्रधान साहब उठा रहे हैं बात कि जो पहले हो गया हो जाने दीजिए, अब तो 8 महीने से अगर आपकी सरकार है तो आपको कौन रोक रहा है? आपको तत्काल पिछले ही महीने इस पर कार्रवाई करते हुए और रिपोर्ट रख देनी चाहिए थी सामने, पर होता यह है कि जब बड़े मुद्दे आते हैं तो आपकी तरफ से खुद ही हीला वाली हो जाती।
जैसे कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि व्यापम घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे प्रधान साहब अभी बात किए, सिर्फ बातों को घुमाने का प्रयास, इसी तरह जिस तरह बातों को घुमाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक इसी तरह जांच को घुमाने का प्रयास किया गया। नहीं तो ये मान रहे ना कि इन्होंने घुमा लिया, आप घुमा के आपकी सरकार आ गई। नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, लूटने वाले के खिलाफ लूटने वाला जेल, लूटने वाला फ्री। आप अच्छे जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जो बच्चे लूटे हैं वो बच्चे मुलजिम बने हैं, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो आज तक बाहर हैं। अब रही बात हमारी सरकार, तो ये मगरमच्छ नहीं, मेरा निवेदन पकड़ते नहीं, रही बात हमारे पार्टी की सत्ता में आने के बाद की। मैं आपसे पहले भी निवेदन किया कि व्यापम घोटाला मुद्दा के अतिरिक्त भी बहुत सारे विकास कार्य थे, जिस पर जैसे किसानों का कर्ज माफी, नहीं ये तो देखिए अलग चीज हो गई, कर्ज माफी अलग चीज है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा था आपका। कर्ज माफी में आपको बजट का इंतजाम करना था, इसमें तो दो अधिकारियों की ड्यूटी लगानी थी, जांच शुरू हो जाती। नहीं तो जांच वही तो शुरू करवाई गई है, नहीं तो वो तो दिग्विजय सिंह जी ने लेटर लिखा है, उसके बाद ये जांच शुरू हुई है, तो क्या मान लें ये नूरा कुश्ती चल रही थी आपकी और बीजेपी के बीच में? बिल्कुल नहीं सर, इसको नूरा कुश्ती ना माने। हाँ। ना विपक्ष के ऊपर कोई दबाव बनाने के लिए विवाद शुरू हुआ है, ये न्याय को जनता के सामने लाने के लिए विवाद शुरू हुआ है, और ये अंतिम परिणाम तक ये विवाद पहुंचेगा, पर ये वास्तविक जांच होकर के वास्तविक दिग्विजय सिंह जी जैसे सीनियर लीडर को लेटर लिखना पड़ा तब इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। कहीं ना कहीं तो आपके एजेंडे में तो जो युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, जो घोटालों से जुड़ा मुद्दा, उसमें सबसे पहला यही घोटाला था, है कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है, उस कमी को, चूंकि दिग्विजय सिंह जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और जहां कमी रहती है वो मार्गदर्शन देने का काम हमेशा किए हैं, और आज भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया इस पत्र के माध्यम से, तो इसमें निश्चित तौर से अब कार्रवाई होगी। सरकार जो है तटस्थ है इसमें कार्रवाई करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए, और जो भी दोषी होगा सर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए, ये कितने दिन में मान लें हो जाएगा कि पता चला अभी तो भी सालों निकाल दिए? नहीं, ये तो जांच की प्रक्रिया है, जांच में कितना समय, तथ्य को जब तक सामने नहीं आएंगे, जांच में जितना समय, ये पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी शीघ्रता से हो सके निष्पक्ष जांच हो, हर बिंदुओं पर जांच हो। नहीं पर यहाँ पांडे जी एक बात उठती है ना कि जहाँ जितने बड़े बड़े घोटाले हैं उन सभी में आपकी बात खाली जा रही है, जैसे आपने व्यापम घोटाला उठाया पता चला उसी पे जांच नहीं हुई, आपने पेंशन घोटाला उठाया कहा इसी बार सदन में पेश कर दी जाएगी पेंशन घोटाले की रिपोर्ट, वो भी आपने इस बार पेश नहीं की, तो क्या मान लें आप, मतलब फाइलें ही गायब हो गई। अब वो कहा जा रहा है साहब फोटोकॉपी ढूंढ रहे हैं, वो पत्र नहीं मिल रहा आपको व्यापम घोटाले का जिससे ये पूरा घोटाला उजागर हुआ था। वही मैं निवेदन किया कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, फाइलों को बाहर किया, कागजों को, दस्तावेजों को बदला गया, माने जितना हेरी फेरी कर सकते थे साक्ष्य को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया, इसीलिए जांच में कठिनाई जा रही है, थोड़ी वक्त लगेगा लेकिन कार्रवाई होगी, सारे तथ्य सामने आएंगे, ये मैं वादा के साथ दावे के साथ कह सकता। क्या सोचते हैं आप प्रधान जी, वाकई ये ईमानदारी से जांच कर रहे हैं या आपके मजे ले रहे हैं? ये हमारे क्यों मजे ले रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजे ले रहे हैं? ये तो राम भाई को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके उसके पति का नाम FIR में से हटा कर, ये तो अपनी सरकार बचाने में लगे, ये न्याय दिलाने में कहा इनकी रुचि, इनकी जो रुचि है कि हमारी सरकार किसी भी तरह से सरकार बची रहे। बिल्कुल, राम भाई के पति को क्या नाम FIR से निकाल दिया तो वहाँ धरना शुरू हो गया। अब ठीक है, मैं इनकी बात पे भरोसा कर रहा हूँ, अति शीघ्र करेंगे, भगवान करे जैसे ये कुमार स्वामी कर्नाटक में अविश्वास प्रस्ताव अति शीघ्र प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस की पार्टी इनके साथ है, तो ठीक है ऐसे ही। क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं तो सदन में जब भी कोई ऐसा, मतलब जब घिरने की बात आती है और जब सदस्य कोई सवाल पूछता है कि इसकी जांच कब तक हो जाएगी या ये काम कब तक हो जाएगा, तो वो
जवाब आता है सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, अति शीघ्र करा देंगे। अब वो अति शीघ्र में अध्यक्ष जी भी यही पूछते हैं, अरे भैया बताओ एक दिन में, दो महीने में, चार महीने में, आठ महीने में, तो वैसे ही ये जवाब आया इनकी तरफ से। देखिए आज ही समाचार पत्रों में छपा है कि प्रश्नों का जवाब भी कट शॉर्ट कर रहे हैं और दोनों दलों के माननीय विधायकगण आपत्ति उठा रहे हैं कि अधिकारी प्रश्न काट छाट करके विधानसभा में जवाब दे रहे हैं। अब भगवान जाने इनकी सरकार है कि इनके अधिकारियों की सरकार है। बिल्कुल, क्या सोचते हैं आप शर्मा जी के वाकई में ये अति शीघ्र के नाम पर सालों निकल जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है। पहले बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने जांच तमाम खोली दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ, हुआ कुछ नहीं। अब इनकी सरकार आ गई कांग्रेस की, इन्होंने शिवराज जी के खिलाफ खोल दी जाँच, इससे कुछ होना है? देखिए तिवारी जी, आपकी बात सच है कि सरकारें जब आती हैं और इस तरीके का वातावरण बनता है या वो घिरते अपने आप को पाती हैं तो इस तरह के मुद्दों को जो है जांच का विषय बना लेती हैं। और ये जांच होगी, ये बात तो सही है, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे हाथी के ऊपर महावत बैठता है और अंकुश रखे रहता है, वैसे अंकुश की तरह इसका इस्तेमाल होगा और इसमें विलम्ब जरूर होगा। जांच जल्दी नहीं होगी बल्कि उसको जब तक भुना सकते हैं तब तक करते रहेंगे। बिल्कुल, तो पांडे जी सुना आपने कि ये जनमानस की प्रतिक्रिया है कि आप भी जो है वो बिल्कुल बीजेपी के पद चिन्हों के चल रहे हैं कि जांच के नाम पे सालों महीनों निकाल दो और फिर अपना कहो कि हाँ साहब अब ये तथ्य नहीं मिले, अब ये नहीं हुआ, अब वो नहीं हुआ, कारण बता दो बाहर। नहीं, जांच में विलम्ब होने का कारण है जो पूर्ववर्ती सरकार साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास किया, एक्सेल शीट बदलने का प्रयास किया। अरे तो आप FIR जांच कराइए ना। हाँ, वो धाराएं भी उनके खिलाफ लगेंगी और कार्रवाई होगी, इस बात को देश की जनता को विश्वास करना चाहिए। अतिशीघ्र होगी, अतिशीघ्र में मैं बिल्कुल ये तो नहीं कह सकता कि दो दिन में चार दिन में हो जाएगा, इतना बड़ा जांच है। हाँ। थोड़ी से समय लगेगा लेकिन कार्रवाई होगी और जांच होगा। दो महीना, एक साल, दो साल, पांच साल, चार साल? नहीं, चार साल तो नहीं लगेगा। हाँ, साढ़े तीन साल मरे, अरे महीने दो महीने के अंदर आपको परिणाम कुछ न कुछ मिलेगा इसमें। महीने दो महीने में तो अभी कमेटी नहीं बन पाएगी वो, आप तो, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि ईमानदारी से जनता को बताइए कि वाकई जांच आप करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो टाइम भी तो कोई होना चाहिए ना। पूरी तरह से हम दो महीने में, छः महीने में पूरा करके पूरी देंगे। पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं हम जांच में, पूरी तरह से कार्यवाही में इंटरेस्टेड हैं, दोषी व्यक्तियों को न छोड़ने में इंटरेस्टेड हैं और इस जांच के लिए हमारी सरकार पूरे प्रयत्न से, हर प्रकार से प्रयास करके इस जाँच को जल्द से जल्द पूरा करवाएगी। टाइम लिमिट तो ज़रूर हम नहीं बता सकते क्योंकि जाँच में थोड़ी वक्त लग जाते हैं। नहीं, पर ये घोटाले में जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, आपने उसकी भी रिपोर्ट नहीं रखी सदन में, जबकि घोषणा की थी सदन शुरू होने के पहले कि इस सत्र में वो रिपोर्ट आ जाएगी, पता चला वो फाइल ही गायब हो गई या फोटोकॉपी के भरोसे घूम रहे सब। वास्तविकता ये है कि कुछ ऑफिसर्स आज भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, बीच बीच में ये सुबूफा छोड़ते हैं कि कांग्रेस की सरकार गई गई गई, बहम फैलाते हैं। एक माया जाल है, इस माया जाल के बहकावे में अधिकारी कर्मचारी कुछ आ जा रहे हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है कि भाई आप शासन का काम करिए, बहकावे में मत आइए। तो जो विलंब हुआ है तो जो अधिकारियों की जिम्मेवारी थी उनके कारण ही विलंब हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम पेंशन घोटाले को भूल गए हैं कि व्यापम घोटाले को भूल गए हैं। तो कब करेंगे साहब? लोग तो ये कह रहे हैं ना, आपकी घोषणाएं निरर्थक साबित होती हैं। जब आपने घोषणा की कि विधानसभा के मौजूदा जो सत्र है इसी में आप वो पेंशन घोटाला को की रिपोर्ट को टेबल करेंगे, तो वो क्यों नहीं हुई? अब पूरी रिपोर्ट एक्चुअली पहुंच नहीं पाई है, पूरी रिपोर्ट आ जाए तो सदन में पेश हो जाएगी। बताइए प्रधान साहब, ये वाकई इनको रिपोर्ट मिली नहीं या मिल तो गई है, अब ये खुद सोच रहे हैं कि उसको पेश करें कि नहीं करें? देखिए ये अपनी सरकार बचाने में लगे हैं और जनता के बीच में अपनी छवि बनाए रखने के लिए इस तरीके के भ्रामक प्रचार करके ये बतला रहे हम सरकार चला रहे हैं। और चला ये सिर्फ अधिकारियों को ट्रांसफ़र इधर उधर चार बार, दो बार, तीन बार, किसी भी हर
विधायक माननीय मंत्री और कार्यकर्ता एक ही पत्र लेके अपने हाई कमांड के पास पहुंचते हैं कि इसका ट्रांसफर करना, उसका ट्रांसफर करना पूरी। पर ये घोटाले पे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है आप ही के खेमे में गुटबाजी जो चल रही है उसको और तगड़ा करने का प्रयास हो, कि उन्होंने कहा व्यापम का घोटाला पहले उठाओ, फिर पेंशन का घोटाला उठाओ और फिर दोनों को मचा दो, तो ये ऐसी स्थिति तो नहीं है? निश्चित ही कांग्रेस तो यही चाहेगी कि विवाद जनता के बीच में ये जाए या प्रचार ये हो कि इनके बीच में गुटबाजी है। पर हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी घोटाले घपले से भारतीय जनता पार्टी नहीं है लिप्त, और हमारे नेता अगर लिप्त हैं, अगर लिप्त हैं तो आप सिद्ध करो और जांच कराओ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है यहाँ शर्मा जी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ये दोनों घोटाले सदन में लाकर या दिखाकर प्रेशर बना रही है और इनकी ही गुटों में जो बटी है बीजेपी उसमें आग लगा रही है? ये बात सही है कि ये घोटाले सामने लाकर जो है वो अपना कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे अपना दबाव बना रही है, और उस दबाव के माध्यम से जो है अपना जो रास्ता है उसको साफ करती जा रही है। अब वो चाहे व्यापम का घोटाला हो या ई टेंडर घोटाला हो या पेंशन घोटाला हो या उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर घोटालों की बात है, तो ये सारी चीज़ें जो है उजागर हो ही इसलिए रही हैं कि जितना आप दबाव बना सकते हो तो वो बन जाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनका कार्य निर्बाध रूप से जो चाहते हैं वो होता रहे। वैसे ये जो पावर सत्र है जिसमें बजट भी था, आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी के नेताओं ने बड़ा जिसको कहें बढ़ चढ़ के प्रदर्शन किया या फिर बहुत ही ढीली ढाली रही पूरी की पूरी उनकी कार्यशैली? देखिए कोशिश तो रही इस तरीके की कि उनका प्रदर्शन जो है प्रभावकारी रहे, कहीं कहीं कुछ कमियां भी नज़र आईं, ये बात भी सही है कि उतना प्रभावकारी नहीं हो पाया जितना कि वो दर्शाना चाहते थे। बिल्कुल, यहाँ पांडे जी ये भी बार बार बात आ रही है कि चूँकि सदन में बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है आपकी पार्टी के पास, तो इनके नेताओं को आईना दिखाने के लिए इस तरीके के चार पांच घोटाले आप लाकर और उनके मुंह बंद करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है और सरकार को हमारे कोई खतरा नहीं। पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि 5 साल सरकार चलेगी, इस सरकार को कोई नहीं हटा सकता। दूसरी चीज़ रही गुटबाजी भाजपा की है कि भाजपा के ऊपर दबाव बनाने के लिए जाँच किए जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा। मध्य प्रदेश की जनता के और उन बेरोजगारों की पीड़ा को देखते हुए ये जांच की कार्रवाई की जा रही है। और आज हम सत्ता में हैं, हम जब सत्ता में नहीं थे तब माननीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने व्यापम मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, तो उसी का परिणाम है कि आज भी आगे भी इसका जाँच करवा के हम इनके खिलाफ मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में कदम उठाना चाहते हैं। बिल्कुल प्रधान साहब, ये युवाओं के हित में ये कदम उठाना चाहते हैं और इनके कदम से मतलब ठोस कदम उठाना चाहते हैं, तो आपको लगता है ये ठोस कदम उठेंगे या ठोस जमे ही रहेंगे जहाँ हैं वहीं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये ठोस कदम तब उठाएं जब इनके पीछे ठोस सपोर्ट हो। अब रोज तो अखबारों में ही छपता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कभी कौन किधर भटक जाए, ये इनके शब्द में हम नहीं कह रहे, हम रुचि ले रहे हैं कि ये भटके, पर इन्हीं के बीच में वो हो रही आम ट्विस्टिंग हो रही कि मुझे मंत्री बनाओ, मैं सीनियर हूँ। आज ही लक्ष्मण सिंह का बयान आया है कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार तो है पर वरिष्ठों की अनदेखी हुई, ऐसा माननीय विधायकों की पीड़ा है जो माननीय दिग्विजय सिंह के छोटे भाई के बयान से स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। नहीं पर ये ठोस कदम उठा रहा है ना, तो आपकी तरह से ये नहीं कुछ भी उठा लिए कदम, ठोस उठाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगे और कई बार ठोस उठ भी नहीं पाता। अच्छा लगा ठोस सरकार जो नहीं है वो ठोस कदम उठा। बिल्कुल सरकार ठोस है, आप चिंता न करें और कार्रवाई होगी।
बिल्कुल बताइए साहब शर्मा जी, के वाकई सरकार ठोस कदम उठा रही है या बिल्कुल देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब व्यापम कांड हुआ था तो उस समय वो बराबर ये दावा कर रहे थे कि उनके पास में पुख्ता सबूत हैं और यदि पुख्ता सबूत थे तो उनको उस समय भी प्रस्तुत किया जा सकता था कोर्ट में और आज भी जब जांच की बात की जा रही है तो आज भी उसको लाया सामने लाया जा सकता है। उसमें इतना विलंब क्यों किया जा रहा है ये समस्या परे है। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर जनता की तो जनता ये चाहती है कि घोटाले जितने भी हुए हैं चाहे वो व्यापम हो चाहे वो पेंशन हो या बाकी के घोटाले हों बड़े, तो उनमें जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। परंतु होता यह है कि एक दल दूसरे दल पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इनकी जांच की बात तो कहता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि नेताओं को उनके अंजाम तक पहुंचा जाए, दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और इसी वजह से सिर्फ जांच और जांच तक ही प्रक्रिया सीमित रहती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विवाह खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।